संयुक्त संघर्ष समिति के अध्यक्ष खुशाल ठाकुर ने मंडी में आयोजित प्रेस वार्ता के दौरान पत्रकारों को संबोधित करते हुए कहा कि फोर लेन प्रभावितों से जुड़ी संयुक्त संघर्ष समिति के द्वारा 4 गुना मुआवजे, विस्थापितों के पुनर्स्थापन, पुनर्वासन और सरकार से उच्च स्तरीय वार्ता करवाए जाने की मांग को लेकर मंडी जिला मुख्यालय पर संयुक्त संघर्ष समिति के द्वारा सामूहिक भूख हड़ताल व प्रदर्शन किया जाएगा। उन्होंने कहा कि सरकार ने विजन डॉक्यूमेंट में फोर लेन प्रभावितों को 4 गुना मुआवजा दिए जाने की बात कही थी, लेकिन इस पर अमल नहीं किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि संयुक्त संघर्ष समिति 15 अक्टूबर को प्रदर्शन के माध्यम से उच्च स्तरीय वार्ता करवाए जाने की मांग करेगी, ताकि फोर लेन प्रभावितों की मांगों पर विस्तार से चर्चा की जा सके। 15 अक्टूबर को मंडी में पूरे हिमाचल के जितने भी प्रभावित और विस्थापित नेशनल हाईवे और फोर लेन से किसान, बागवान, युवा और मजदूर हैं, वो सब इकट्ठे हो रहे हैं और एक सामूहिक तौर पर एक बहुत बड़ी रैली निकाल रहे हैं और सुबह 11 बजे से लेकर 5 बजे तक अनशन पे बैठेंगे। और लोगों का रोष यही है कि पूर्व सरकार ने 3 साल बहुत बड़ा धोखा दिया और जिसका खमियाजा उनको भुगतना पड़ा, और हाल में अभी जो नई सरकार है 9 महीने से हम गुहार लगा रहे हैं, माननीय मुख्यमंत्री जी से भी, सरकार से भी कई बार मिले हैं, हमें नहीं मालूम किस वजह से अभी तक जो है फोर लेन प्रभावितों से मिलने का समय, जो एक अधिकारी उच्च स्तरीय बैठक करने का जो वायदा किया था वो पूरा नहीं हो पा रहा है। और जब लोगों के घर ही टूट गए और जो लोगों को पुनर्वासन पुनर्स्थापना के जो अधिकार थे, और जब उनका कोई सर्वे ही नहीं किया गया, उनका कोई लिस्ट ही नहीं बनी है, तो उनको सरकार बाद में कैसे ढूंढेगी जब ये सब कुछ ही बर्बाद हो जाएगा। अगर वार्ता में और देर की जाती है तो उसका फ़ायदा तो कुछ नहीं होगा, जो लोग उजड़ गए हैं वो तो उजड़ गए हैं और उन्हें तो ढूंढा भी नहीं जा सकता। तो इसलिए एक बार फिर हमारी गुहार है हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी से, हमारे सरकार से, हमारे दूसरे नेताओं से कि इसमें संवेदनशीलता दिखाएं, इसमें सीरियसनेस दिखाएं और लोगों से मिल बैठकर इसके बारे में वार्ता करें, क्योंकि लोग विकास के विरोध में नहीं है, फोर लेन के विरोध में नहीं है, वो अपनी से भागीदारी इसमें देना चाहते हैं, लेकिन समझ से परे है कि इसमें जो है जो सीरियसनेस है वो कहीं ना कहीं नहीं दिखाई जा रही। ब्यूरो रिपोर्ट, केशरलाल।